हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। आपके साथ मैं हूं अपूर्व, मेरे साथ मौजूद है रोहित। और रोहित के बारे में, रोहित के पास ही एक बढ़िया सी खबर है, वो आपको बताएंगे। बड़ी खुशखबरी है, टीम इंडिया ने मैच तो जीत लिया है, अब और तगड़े तरीके से टीम इंडिया तीसरा टेस्ट मैच खेलेगी क्योंकि रोहित शर्मा इज बैक। कैसे, कब टीम से जुड़ेंगे रोहित, बताएंगे, बताइए। देखिए, वेडनेसडे को टीम से जुड़ने जा रहे हैं, बायोसिक्योर बबल में ही वो एंट्री करेंगे सीधे, क्योंकि उनके टेस्ट जो है वो हो चुके हैं। आपको पता है कि पिछले टेस्ट के एंड के वक्त पे ही लगातार ये खबर आ रही थी कि रोहित शर्मा जो है वो पहुंच चुके हैं। रोहित शर्मा जैसे ही पहुंचे वैसे ही उनका जो है क्वारंटीन पीरियड शुरू हुआ, 14 दिन वो क्वारंटीन में। अब कल सारी की सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी हो जाएंगी। आज एज अ ऐसे कहें कि आज उनका लास्ट दिन है, और देखिए क्या इंडिया को जीत भी मिली और उनका लास्ट दिन भी बना। और कल जो है जब टीम इंडिया निश्चित तौर पर जश्न मनाने के मूड में होगी, और एक दिन तो आपको देना चाहिए टीम इंडिया को जश्न का, तो बिफोर गोइंग टू जो सिडनी वो जा रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल यही खबर है कि वो सिडनी जा रहे हैं। आगे चल के कोविड आउटब्रेक की वजह से क्या होता है ये पता नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, रोहित शर्मा सिडनी में ही है, और क्योंकि उनको पहले से बता दिया गया था कि आपको जो है 14 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन रहना होगा, तो वो जो है टीम इंडिया का वहीं इंतजार करेंगे बायोसिक्योर बबल में, क्योंकि वो भी है इसलिए अब वो सीधे टीम में एंट्री करेंगे। अब रहाने के लिए हैप्पी हेडेक है बिल्कुल, क्योंकि रोहित मतलब इतना बड़ा खिलाड़ी है, वैसे तो आप बाहर भी बिठा सकते हैं। टीम का कॉज क्या है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको इसी टीम के साथ अगले मैच में उतरना है, या फिर आपको, हम नहीं कह सकते कि रोहित के आने से ये टीम स्ट्रांग हो जाएगी। वनडे में ऑब्वियसली विदाउट अ डाउट हम कह सकते थे कि उनके आने से टीम स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन यार वो तो ऐसा खिलाड़ी है ना, इतना बड़ा है, उसके हवे से उसका और से मतलब सामने वाली टीम आधी तो वहीं पे पानी पानी हो जाएगी। है वो बाली। सही बात है, आधी शक्ति छीन लेते हैं ऐसे खिलाड़ी तो होने। मैं तो कहूंगा कि मतलब मैं तो कप्तान होता ना रहाणे की जगह, तो मैं जरूर ऐसे खिलाड़ी को रखता, सिर्फ उसके उस औरे की वजह से भी ना, कि वैसे ही ऑस्ट्रेलिया इस हार के बाद थोड़ी सी एकदम बैकफुट पे होगी और हम अपनी टीम में ऐसा बड़ा नाम रख लेंगे ना, उनकी हालत और टाइट हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं, कुछ खिलाड़ियों ने ऐसा मौका दे दिया है कि हम उनको बता सकते हैं कि भाई रुक जा, कोई बात नहीं, अभी तेरा समय नहीं चल रहा है, रोहित आ गया है, तू थोड़ा बैठ जा, रोहित को खिलाते हैं। वो भी कहेगा हाँ ठीक है भाई, रोहित रोहित शर्मा एक ऐसा नाम है जिसके लिए कोई ये नहीं कहेगा यार हाँ इनको क्यों खिला रहे हो, इनसे अच्छा तो मैं ही हूँ, इसलिए ये नहीं कह सकता कोई कि इनसे अच्छा तो मैं ही हूँ। खैर, और फिर हमें पता है वो एक बार चल गए तो बड़े रन बहुत, तो वनडे में 200 मार देते हैं तो ये तो सही बात है, सही बात है। 500 ना लगा दे, लारा का रिकॉर्ड कहीं खतरे पर ना आ जाए, 401 ही बना दे, कोई बात नहीं, 401 ही बना दे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। रोहित शर्मा के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है, रोहित जो है कल टीम से जुड़ जाएंगे और टीम के साथ प्रैक्टिस भी करने लगेंगे। सारी तस्वीरें आपको यहां मिल जाएंगी रोहित को लेकर। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आप रिस्ट बैंड की तस्वीर देख रहे हैं ये उनकी क्वारंटीन नियमों के तहत उनको मिला था, जिस पर आप वेडनेसडे अंकित देख सकते हैं, और अब सिर्फ 24 घंटे भी नहीं बचे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।